सांसों का रहस्य। सांसों को जानकर जीवन में जो चाहते हो वो पा सकते हो। दोस्तों, सांस का मतलब जीवन का लक्षण मात्र नहीं, बल्कि हमारी सांस में तो इतने रहस्य छिपे हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। हमारा खाना पीना, सोना जागना, सेक्स, स्वास्थ्य, बीमारी, यानी भौतिक जीवन की कोई भी क्रिया हो, या चाहे वो आध्यात्मिक साधना, ध्यान, मेडिटेशन हो, इन सबकी सफलता असफलता सिर्फ हमारी सांसों पर निर्भर करती है। हमारी सांसों की स्थिति कैसी है, इसका हमारे सभी कार्यों पर फर्क पड़ता है। असल में हमारी सांस हर स्थिति में लगातार बदलती रहती है। सांस में जरा से बदलाव से मन की स्थिति भी बदल जाती है। यह सब सांस के साथ चल रही नाड़ियों के कारण होता है, जो 24 घंटे बदलती रहती हैं। लेकिन इन सूक्ष्म क्रियाओं की ओर कभी हमारा ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि हम सांस लेने का कार्य दिमाग का यूज किए बगैर करते हैं। कोई भी मनुष्य जो सांस के रहस्य को समझ गया, वह खुद के अनुभव से जीवन को सरल बना सकता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में हमारी सांसों की गति भिन्न होती है, क्योंकि हमारे शरीर में उपस्थित 72,000 नाड़ियां हमारे प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका तक इस ऑक्सीजन रूपी श्वास को पहुंचाने का कार्य करती हैं। हमारे शरीर का प्रत्येक सिस्टम ऑक्सीजन रूपी सांस से ही कार्य करता है, इसीलिए तो हमारी सांसों को प्राण कहा गया है। ये प्राण ही हैं जो हमें जीवन दिए हुए हैं। हमारे प्रत्येक कार्य में हमारी सांसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, चाहे वह कार्य हमारे आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड हो, ध्यान मेडिटेशन से रिलेटेड हो, जॉब नौकरी से रिलेटेड हो, या फिर हमारे दैनिक कार्य से रिलेटेड हो। हर परिस्थिति, हर स्थिति में हमें सांसों का ही सहारा लेना होता है। जब भी हमें गुस्सा आता है, तब हमारे सांसों की गति तीव्र हो जाती है, और इसी तीव्र गति के कारण ही हमारी सोचने समझने की स्थिति में बदलाव आ जाता है। इसीलिए हम गुस्से में कुछ सोच समझ नहीं पाते, और जब हम स्थिर शांत रहते हैं, तब हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इसी कारण व्यक्ति स्वयं में बदलाव कर पाता है और जीवन के अपने लक्ष्यों को पा सकता है। दोस्तों, आज मनुष्य ने सांस लेने के तरीके को तो भुला दिया है। वह जैसे मन में आता है वैसे सांस लेता है, इसीलिए उसके शरीर में बहुत से विकार पैदा हो गए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो उसके शरीर के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति को भी असंतुलित कर रही हैं। इसी मानसिक स्थिति के संतुलन के लिए हम ना जाने कितनी ही किताबें पढ़ रहे हैं, कितने ही डॉक्टरों के पास भ्रमण कर रहे हैं, परंतु जो वास्तविक ज्ञान हमारे सांसों का हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, हम उससे अनजान हैं। इसीलिए तो हम डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, हजारों रुपए फीस के रूप में डॉक्टरों को दे रहे हैं, उनकी कमाई बढ़ा रहे हैं, परंतु जो फ्री के उपचार हमारे धार्मिक ग्रंथों में रखे हुए हैं, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हम केवल यह जानते हैं कि वह डॉक्टर बहुत अच्छा है, यदि उसने दवाई दे दी तो मेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे दिमाग की स्थिति सही हो जाएगी, जबकि उसने पहले ही सोच सोच कर अपनी मनःस्थिति इतनी खराब कर ली है कि उस पर किसी दवाई का कोई असर नहीं होने वाला, कोई मेडिसिन असर नहीं कर सकती। जब तक आपकी मनःस्थिति और आपकी सांसें संतुलित नहीं होंगी, सांसों के इसी प्रवाह को जान लेना ही सांसों के विज्ञान का महत्वपूर्ण खेल है, और जिसने सांसों के विज्ञान के खेल को समझ लिया, समझ लो उसने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को समझ लिया। क्योंकि आजकल लोग मोक्ष की तरफ भाग रहे हैं, सबको मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए सबको, एक ऐसा स्थान जहां वो खुद को भुला देना चाहते हैं। हम अपने जीवन में चाहे जितना कुछ कर लें, परंतु जब तक हम अपनी सांसों की गति को स्थिर नहीं कर सकते, उसे संतुलित नहीं कर सकते, तब तक हम जीवन के किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के कष्ट और तनाव ही घेरे रहेंगे, क्योंकि हमने अपने सांसों के वास्तविक चक्र पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसा मन में आता है हम अपनी वैसी ही सांसों को ले लेते हैं, परंतु जिस दिन आपने सांसों की इस गति, इस प्रवाह को समझ लिया, समझ लो आपने जीवन के सत्य को जान लिया। क्योंकि हमारा यह स्थूल शरीर तभी तक कार्य कर सकता है जब तक इस शरीर में प्राण रूपी सांसें जा रही हैं। इन सांसों के माध्यम से ही हमारे शरीर का प्रत्येक अंग कार्यरत है। चाहे आप शरीर के किसी भी अंग को ले लीजिए, हर अंग को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा रूपी ऑक्सीजन केवल हमारे सांसों के माध्यम से ही हमारे प्रत्येक नाड़ियों से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम
ऐसी ही एक तकनीक के बारे में जानेंगे जिससे हम अपने सांसों के प्रवाह को संतुलित कर सकते हैं और लंबी आयु के साथ साथ स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस तकनीक को 4-7-8 की तकनीक कहते हैं, यानी 4 सेकंड तक हमें सांस को लेना है, उसके बाद 7 सेकंड तक श्वासों को रोकना है, फिर 8 सेकंड तक श्वास को छोड़ना है। तो इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ऐसी मुद्रा में बैठ जाएं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सहज महसूस होता हो। अपने हाथ को अपने घुटनों पर रख लें, कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आपको अपने नाक से श्वास लेना है। सबसे पहले 4 सेकंड तक श्वास लेंगे, सात सेकंड तक सांस को रोकेंगे, अब 8 सेकंड तक श्वास को छोड़ना है। फिर 4 सेकंड के लिए श्वास को लेंगे, ऐसे ही 7 सेकंड तक श्वास को रोकना है। फिर 8 सेकंड तक श्वास को कुछ इस प्रकार छोड़ना है। फिर 4 सेकंड के लिए श्वास को लेंगे, ऐसे ही 7 सेकंड तक श्वास को रोकना है। फिर 8 सेकंड तक श्वास को कुछ इस प्रकार छोड़ना है। श्वास को लेते समय आपको अपने पेट तक श्वास को लेना है और फिर श्वास को रोक लेना है, जिससे आपके छाती और डायफ्राम फूल जाएंगे और आपके डायफ्राम के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। फिर 8 सेकंड तक आपको जितनी श्वास आपने ली थी लगभग पूरी श्वास को छोड़ देना है। ऐसा ही आपको 15 से 20 मिनट करना है। ऐसे ही 7 सेकंड तक श्वास को रोकना है। फिर 8 सेकंड तक श्वास को कुछ इस प्रकार छोड़ना है। फिर 4 सेकंड के लिए श्वास को लेंगे, ऐसे ही 7 सेकंड तक श्वास को रोकना है। फिर 8 सेकंड तक श्वास को कुछ इस प्रकार छोड़ना है। पंद्रह से 20 मिनट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग के साथ साथ आपका शरीर भी हल्का हो गया है। आपकी मानसिक स्थिति में भी बहुत फर्क पड़ा है। अब आप अच्छे से सोचने समझने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई होगी जिसमें आपको कुछ कार्य करने की भी इच्छा हो रही होगी। जो तनाव, एंजाइटी और टेंशन जैसी समस्याएं थी वो दूर हो गई होंगी। आप इसका प्रयोग ज़्यादातर रात को सोते समय करिए। वैसे इस प्रयोग को मैंने बैठकर करने के लिए बताया है। आप इस प्रयोग को लेटकर भी कर सकते हैं और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है और आप 15 से 20 सेकंड में ही अच्छी नींद में पहुंच जाते हैं और इससे आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे जैसे नींद की गुणवत्ता में वृद्धि होगी आपकी मानसिक स्थिति में भी वृद्धि होने लगेगी और जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी सुबह भी अच्छी होती है और आप प्रत्येक कार्य में मन लगाकर कार्य कर सकते हैं।
और तमाम परेशानियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की किसी वीडियो में हम सांसों के बारे में और भी बहुत सी चर्चाएं करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।